सीआरपीएफ महिला बाइकर्स शिलांग से पहुंची बरेली, रोटरी ने किया स्वागत। बरेली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व महिला सशक्तिकरण की अलग जगाने के लिए शिलांग से चलकर सीआरपीएफ की 50 महिला बाइकर आज बरेली पहुंची। बरेली पहुंचने पर स्पोर्ट्स स्टेडियम में जोरदार स्वागत किया गया। सीआरपीएफ की यह महिला बाइकर टीम 5 अक्टूबर शिलांग से चलकर बरेली आई है, जिससे देश की कुल 3 महिला बाइकर टीम निकली हुई है। एक टीम में 25 बाइकर है जो अलग अलग जगहों पर पहुंचकर महिला सशक्तिकरण का संदेश दे रही है। सीआरपीएफ के टीम लीडर अमित जोशी ने बताया, देश की कुल 3 महिला बाइकर टीम महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए निकली हुई है, जो 31 अक्टूबर को गुजरात के एकता नगर स्टैचू ऑफ पटेल पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समापन होगी। वहीं महापौर उमेश गौतम ने बताया, बेटियों को सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, अब बेटियां सशक्त हो रही है, ये सीआरपीएफ की महिला टीम का संदेश सभी को मिलेगा। सीआरपीएफ के पीओ, सीआरपीएफ के एडिशनल पीओ, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज बरेली में सीआरपीएफ की जो महिला विंग है, जो गुजरात पहुंच रही हैं 31 तारीख अक्टूबर को, ये चली थी शिलांग से, तो आज उनका बरेली में स्वागत हुआ है। इनका जो उद्देश्य है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य के साथ मिशन शक्ति को जोड़ते हुए ये एक संदेश देते हुए देश में पूरी 3 विंग घूम रही हैं, उनमें से आज बरेली में जो विंग आई है उसमें ये 50 बुलेट बाइकों के साथ महिलाएँ सीआरपीएफ की जो सैनिक हैं वो एक संदेश देते हुए निकल रही हैं, तो उनको हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने बरेली में उनका स्वागत किया है। निश्चित रूप से उनका संदेश बरेली और जहाँ भी जिस क्षेत्र से वो गुजरेंगी वहाँ लोगों को मिलेगा, और लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने का काम करेंगे, पढ़ाने का काम करेंगे। आज किसी टीम महिला टीम आई है, क्या उद्देश्य है? ओके, संदेश तो जो हमारी ये महिला टीम, जो महिला राइडर्स आप देख रहे हैं सीआरपीएफ के, ये जो अपने एक्सपीडिशन के थ्रू जो संदेश देश में जो फैला रही हैं वो संदेश है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं महिला सशक्तिकरण का, ये लोग संदेश आगे तक कन्वे कर रही हैं। बाकी रही बात इस महिला एक्सपीडिशन की, हमारी कुल सीआरपीएफ की 3 टीमें 3 जोनों से इस एक्सपीडिशन के लिए निकली हैं, जिसमें से एक टीम श्रीनगर से, दूसरी टीम जो आपके समक्ष यहीं पर आप देख रहे हैं शिलांग से ये निकली थी 5 अक्टूबर को, तीसरी टीम जो है कन्याकुमारी से निकली है। तीनों ही टीमें जो हैं अपने अपने लोकेशन से जो है अपने दिए हुए मार्ग के अनुसार, जो भी निकले चिन्हित मार्ग हैं उसके अनुसार गुजरात के एकता नगर के लिए जो है अग्रसर हैं, और उसी क्रम में हम आज यहाँ बरेली अभी पहुँचे हैं। और इस तीनों टीमों के द्वारा इस पूरे अभियान के दौरान कुल 15 राज्य भारत के, जो 15 राज्य ये कवर करेंगी, 2 केंद्र शासित राज्य और 10,000 किलोमीटर का जर्नी ये तीनों टीमें इसमें कवर करेंगी। रही बात बाइकर्स की, तो हर टीम में 25-25 बाइकें हैं और हर बाइक के साथ जो है 2 राइडर्स हैं हमारे, तो कुल मिला के 50 राइडर्स हमारे एक टीम में हैं, तो टोटली 75 बाइक्स और 150 राइडर्स हैं तीनों टीमों को मिला करके। और संदेश जो है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो हमारा ये एक्सपीडिशन है ये 31 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है गुजरात के एकता नगर में, उस दिन को हम अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई जी पटेल के जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं, और उसी क्रम में जो है राष्ट्रीय एकता अखंडता और सामाजिक समरसता का तो हम संदेश फैला ही रहे हैं, साथ ही साथ ये एक बहुत ही भव्य जो है हम लोगों को एक सुनहरा मौका मिला है कि हम अपने वुमेन जो राइडर्स हैं, महिला सशक्त जो हमारे राइडर्स हैं, यशस्विनियाँ जिनको हम बोल रहे हैं, उनके थ्रू समाज में जहाँ जहाँ से हम गुजर रहे हैं, जिन जिन राज्य से जा रहे हैं, वहाँ पर जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण का हम लोग संदेश फैला रहे हैं। धन्यवाद। हमारा ये महिला टीम है 5 अक्टूबर को शिलांग में हाल से शुरू हुआ है। हम गुजरात केवड़िया एकता नगर 31 अक्टूबर तक इसका समापन है, जो राजा स्टैचू का ऊपर हमारा जो लास्ट वहाँ पीएम। कितनी महिलाएं इस टीम में? हमारे टीम में 60 महिला है,
ये है कि इंडिया का तीन कोने में है, एक नॉर्थ ईस्ट से हम हैं, एक टीम है श्रीनगर से है टीम नंबर वन, वो 3 अक्टूबर वहाँ से शुरू किया है, और दूसरे एक टीम है वो कन्याकुमारी से 5 अक्टूबर को शुरू किया है। इसका संदेश यह है मोटो, बच्चा पढ़ाओ बेटी बचाओ, और महिला का जो स्त्री शक्तिकरण के नारी शक्तिकरण के ऊपर हम ये संदेश देना चाहता है। कितने किलोमीटर की यात्रा है यह हमारा जो पाँचे 3,300 लगभग रहेगा शिलोंग टू केवड़िया। ये सीआरपीएफ का एक प्रोग्राम में ये सभी महिला अपनी इनफील्ड बुलेट से भारत के 3 हिस्सों से निकली हुई हैं और 31 अक्टूबर को ये लोग गुजरात के केवड़िया में एकत्रित होंगे। ये संदेश बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ संदेश लेकर के लिए, जिनका कि आज बरेली जनपद में स्वागत किया गया। यहाँ के मेयर यहाँ मौजूद हैं, रोटरी क्लब के लोग हैं और हम लोग भी हैं, और इनका स्वागत किया जा रहा है क्योंकि एक संदेश दे रही हैं कि हम कितना आत्मविश्वास और कितनी लंबी यात्रा करके आ रही हैं, और पूरे भारत में एकता और अखंडता का संदेश देते हुए बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं। इसलिए आज हम लोग यहाँ आए और अच्छा लगा, बहुत उनको बहुत ही धन्यवाद रोटरी क्लब के लोगों को जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया।